तो दोस्तों आज के शीट में बात करेंगे क्या बीए बीएससी वाले हार्डवेयर नेटवर्किंग या लिनक्स या AWS क्लाउड की जॉब कर सकते हैं या उनको जॉब मिल सकती है लिनक्स या क्लाउड में। आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग अगर आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट है या आपके पास डिप्लोमा भी है तब भी आपको जॉब मिल जाती है। अब जॉब मिलती किस केस में है, जैसे कि हार्डवेयर नेटवर्किंग अगर आपने कर रखा है तो डिप्लोमा है, यहाँ पे मैं डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ, तो आपको एक स्मॉल स्टार्टअप में या एक छोटी मोटी कंपनी में आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग की जॉब इजीली मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, अगर आपके पास वो टैलेंट है इस एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। अब बात करते हैं यहाँ ग्रेजुएशन बेस पे। अभी क्या होता है कि जो बीए बीएससी या किसी और फील्ड से ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर डिग्री लेते हैं किसी और फील्ड से, तो उस केस में एक्चुअली होता क्या है, जैसे बीए वाला बंदा है वहीं पे एक बीटेक वाला बंदा है, तो वहाँ पे कंपेरेटिवली जो दो चीज़ें हो जाती हैं ना जब कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे बीटेक के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे बात करूँ बीए की या बीएससी की, तो जी हाँ उनको भी नौकरी मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप बीए के बैकग्राउंड से होते हो, बीएससी की बैकग्राउंड से होते हो, तो आपको फिर एक्स्ट्रा कोर्सेस पढ़ने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती हैं, आपको किसी ट्रेनिंग सेंटर या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपका वहाँ पे प्लेसमेंट हो पाता है। अभी होता क्या कि जैसे कि आप बीए बीएससी का है तो वहाँ पे अगर किसी भी कंपनी में आप जा रहे हो, अगर वहाँ पे मैंडेट ही नहीं रखा है कि नहीं मुझे बीटेक का बंदा चाहिए, नहीं मुझे एमटेक का बंदा चाहिए या मुझे किसी और ग्रेजुएशन का बंदा चाहिए, अगर मैंडेट ही नहीं है और नॉर्मल अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी को सीख के किसी भी टेक्नोलॉजी पे आप जॉब कर सकते हो, वो चाहे AWS हो, चाहे Azure का क्लाउड हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे हार्डवेयर हो, नेटवर्किंग सिक्योरिटी हो, किसी भी टेक्नोलॉजी को आप सीख के कहीं से भी, खुद से भी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कोई सी भी टेक्नोलॉजी पे आप जॉब कर सकते हो। तो ये डाउट अपने मन से बिल्कुल भी निकाल लो कि नहीं, कि अगर आपके पास बीए है या बीएससी है तो आप आईटी में आ नहीं सकते, बेसिकली आप आईटी में अपना करियर बना नहीं सकते। अच्छा खासा बन जाता है अगर आपके पास टैलेंट है और आपने वो चीज़ें सीख रखी हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद भी आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंट्री मिल जाती है, उससे जॉब मिल जाती है, वो आपका चाहे बी ओ हो चाहे बी एस सी हो, वॉट एवर कोई सा भी, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।